पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या? मेरी जानकारी गलत भी हो सकती है, वो ये है कि दीपावली और कल दिवाली है, पवार कुनबा हमेशा एक साथ मनाता था, इस बार अलग अलग दिवाली मनाने वाले हैं आप? मनाएंगे ना, उसमें क्या है? उसमें क्या है, ये तो ये पहली बार होगा, अभी देखेंगे। पिछले दफा भी दीपावली हुई ना, ये डिसीजन होने के बाद दीपावली हुई ना, पिछले साल की दीपावली सबने एक होके मनाई। नहीं, यहां पर दरअसल मैं ये सवाल क्यों पूछना चाह रहा हूं, इसकी तह में क्यों जाना चाह रहा हूं अजिद्दा, वो इसलिए कि बहुत से लोग, और खासकर दिल्ली में, हम थोड़ा दूर बैठकर दिल्ली में बहुत सारी कंस्पिरेसी थियरीज भी चलती हैं कि चाचा भतीजा मिले हुए हैं, सब खेल आपस में मिलकर रचते हैं, पवार साहब और अजिद्दा जो महाराष्ट्र की राजनीति है अपनी मुट्ठी में दबाकर रखना चाहते हैं, जानते सब हैं ये एक दूसरे की सहमति के साथ ही खेल खेलते। दिल्ली के लोगों को मेरे बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, आपने महाराष्ट्र के लोगों को पूछा तो वो लोग बोलेंगे अजीत पवार का स्वभाव ऐसा नहीं है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी डिसीजन लेता है वो मिली भगत या ऐसा मैच फिक्सिंग ऐसा उसमें नहीं चलता, हमारा जो भी मन में होता है हम बोल देते हैं और आगे चले जाते हैं। बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला आपका था कि शरद पवार ने कहा कि जाइए अजीत हाथ मिला लीजिए? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, 2014 में बीजेपी को बाहर से सपोर्ट एनसीपी ने किया था ना जी, उसके बाद भी कुछ डिसीजन होने वाले थे लेकिन कोई कारण वो नहीं हुए, चर्चा हुई लेकिन नहीं हुए। उसके बाद भी 2019 में कुछ मीटिंग्स हुई है, दिल्ली में हुई है, लेकिन बाद में वो मीटिंग जो जिसके साथ ली थी वो डिसीजन रुकवा दिया गया और अलग डिसीजन लिया गया, ये आप सबको मालूम है, सबको ही मालूम है। तो शरद पवार के कहने पर ही आप बीजेपी में गए? तब सब मिलके सबने मिलके लिया था, अभी का डिसीजन बाद में जो लिया, तो जो विधायक थे, जब हमें पता चला कि एकनाथ राव शिंदे जी करीबन बहुत से विधायक लेके सूरत गए हैं, सूरत से गुवाहाटी जाने वाले हैं, और ये गवर्नमेंट अभी चलने वाला नहीं है, ये अभी गिरने वाला गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी उन्होंने खोई है, तो फिर मेरे सब विधायक इकट्ठा हुए, मेरे ही चैम्बर में इकट्ठा हुए, सबने एक चिट्ठी लिखी पवार साहब को कि साहब हमें ऐसा लगता है कि पहले 2.5 साल में, एक डेढ़ साल तो कोरोना में गया, एक 1.25 साल ही काम के लिए हमें मिला, लोगों के सामने वोटर के सामने कैसे हम जाए, इसीलिए वो गवर्नमेंट में हमें जाना चाहिए और जाने के लिए आपने परमिशन देनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सब विधायकों ने साइन किया, लेटर साहब के पास गया, साहब ने फिर प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, जयंत पाटिल तीनों को जिम्मेवारी दी कि आप बीजेपी के लीडरों के साथ बात करो और आगे कैसा, कौन से डिपार्टमेंट अपने पास, कौन से कितने मिनिस्टर अपने, दूसरों को कितने मिनिस्टर, ये सब के बारे में चर्चा करो और उसमें से गवर्नमेंट बनाओ और आगे चले जाओ, लेकिन बाद में वो हुआ नहीं। फिर नहीं हुआ तो भी हम अपोजिशन लीडर के नाते महाराष्ट्र में काम कर रहे थे और वो काम करते 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 वापस विधायक, ये अपना काम नहीं हो रहा है, इसको स्टे मिला, उसको स्टे मिला, मेरा काम रुकवा दिया, तो अपने को जाना चाहिए। फिर वापस हमने रिक्वेस्ट की लेकिन हाँ ना होते हुए फिर हमें विधायकों को साथ रखने के लिए, सबके मन में था, सबने मिलके ये डिसीजन लिया और हम गवर्नमेंट में चले गए। तो कहीं ना कहीं आप सीधे लफ्जों में नहीं कह रहे हैं पर रजामंदी थी, शरद पवार की हामी थी कि आप जाइए, आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लीजिए। अभी के वक्त नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, अभी के लास्ट वक्त नहीं थी। चाचा भतीजा साथ आ सकते हैं फिर से, कुनबा एक हो सकता है? अरे मैं तो ज्योतिषी नहीं हूं, आगे का किसने कहा कुछ, ये देखो पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
आपको कभी पता चला? अभी कांग्रेस और शिवसेना साथ साथ लड़ेगी, साथ साथ, कभी आपको लगा? कांग्रेस की विचारधारा क्या है, शिवसेना की विचारधारा क्या है? आपको सबको दिल्ली सब भारत को पता है, लेकिन हुआ वो बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था, लेकिन वो तो विचारधारा की असमानता टकराव के बावजूद आपने सही कहा कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे साथ हैं, ऐसे ही अजित पवार और बीजेपी भी साथ है, विचारधारा का टकराव तो आपका रहा है। रहा है ना, उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है, लेकिन ये अपने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए, अपना विकास करने के लिए हम साथ साथ गए हैं, क्योंकि आज महाराष्ट्र की सिचुएशन वैसी है। मैंने शुरू में ही आपको कहा है कि महाराष्ट्र के लोगों ने 85 के बाद तय किया है कि किसी एक पार्टी का हम गवर्नमेंट नहीं लाएंगे, और उनका काम चालू है। तो 85 का जो आप जिक्र कर रहे हैं, दरअसल देखिए 85 सीटें शरद पवार भी लड़ रहे हैं। अब 85 बहुत से लोगों का कहना है, 60 से ज्यादा तो उम्मीदवार नहीं है, 25 और उन्होंने अपनी ताकत बढ़वा ली वहां पर सीट बंटवारे में, और वो 40-45 सीटें ले जाते हैं, 25-30 ले जाते हैं अजीत दादा, यानी कि आप 65-70 सीटों के साथ सत्ता की पूरी कमान चाचा भतीजा अपने पास ये रखने वाले। ये आप अंदाज लगा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम वैसे नहीं है। वो उनके हिसाब से महाविकास आघाड़ी कैसे जीत के आएगी इसके बारे में कोशिश करेंगे हम, हमारी महायुति वापिस कैसे आएगी, वापिस आनी ही चाहिए, इसके बारे में हम आगे जाएंगे। एनसीपी का विलय भी हो सकता है? अभी मैं कैसे बताऊं आगे का क्या। अभी कुछ साल पहले आप किसी को पूछ सकते हैं कि कांग्रेस शिवसेना साथ आएगी या शिवसेना बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जाएगी, ऐसा आपने कभी सोचा था? 2019 में जब चुनाव उन्होंने जीता तो साथ साथ लेके जीता बीजेपी शिवसेना, और तुरंत जब गवर्नमेंट बनाने का दिन आया तो उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। पहले मैंने बीजेपी और मैंने साथ साथ गए, बीजेपी शिवसेना के साथ नहीं रही और हम दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाया, लेकिन वो ज्यादा। ABP News आपको रखे आगे।